ये जो रखी हुई है क्या चीज़ है? ये सांडा है, इसका ऑयल बनता है, जोड़ों के दर्द के लिए होता है और मर्दाना कमजोरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? ठीक ठाक। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई मुझे ये बताइए आप किस जगह पे मौजूद हैं, क्या लोकेशन है आपकी? हमारी लोकेशन है कि ये न्यू कराची कबाड़ा बाजार, यूपी मोड़, नागन। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, जाहिर है इस जगह के ऊपर तो आप सिर्फ इतवार वाले दिन होते होंगे। नहीं, हमारी घर पे भी दुकान है और मलीर की साइड पे, मलीर की साइड पे भी है। तो आप अपना मुकम्मल एड्रेस बता दें, यहाँ के अलावा अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो आप अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दें और आपकी शॉप या आपका मतलब जहाँ पे भी हो उसकी भी ज़रा आप एड्रेस बता दें। हमारा यहाँ के अलावा है मलीर काला बोर्ड, लाल मस्जिद टोकन स्टॉप, टेलीफोन एक्सचेंज। और अपना नंबर शेयर कर दें। नंबर हमारा है 03412165522। व्हाट्सएप नंबर है ये? जी, 03483992469। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए ये जो रखी हुई है क्या चीज़ है? ये सांडा है, इसका ऑयल बनता है, जोड़ों के दर्द के लिए होता है और मर्दाना कमजोरी के लिए। ठीक है। तो ये जो सांडा है ये मतलब कैसे इसका ऑयल बनता है, कैसे निकलता है? मतलब ये तो एक जानवर नुमा चीज़ नज़र आती है। इसको सबसे पहले हम लोग ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के बाद पेड़ पे चाक मारते हैं, चाक मारने के बाद इसकी चर्बी निकलती है, वो कटोरे में रखते हैं, नीचे आग जलाते हैं, वो कटोरा रखा हुआ है, फिर आग जलाते तेल निकलता है, फिर इसमें चीज़ें डालते हैं जो जो जिस जिस किस्म के लिए काम आता है ये। अच्छा मुझे ये बताइए ये जो आप अमल करते हैं, जो आपका पूरा प्रोसेस है, ये आप लाइव करते हैं? मिसाल के तौर पे एक कस्टमर आपके पास आता है, जाहिर है आपके पास कोई ना कोई रेडी तैयार भी मौजूद होती होगी, तो अब एक आने वाला है, अब उसको तो वो तो मुतमईन नहीं हो रहा चीज़ उनका दिल मुतमईन करने के लिए हम लोग सामने ये चीज़ निकालते हैं। अगर कोई आपको आके कहता है कि भाई मेरी आँखों के सामने, आँखों के सामने भी करते हैं। ठीक है। अच्छा इसका जो निकालने का प्रोसेस होता है वो कितनी देर का होता है? ये बनाते हैं 7 मिनट का होता है, 7 मिनट के अंदर ये निकल जाता है और इसका पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आप मुझे बता रहे हैं सांडे के हवाले से, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कब ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ करने की? इसको उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब इंसान अपने आप को मारता है ना, अपने नफ्स को, ठीक है, तो उसके मुताबिक से वो अपना इलाज करवाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। के दर्दों के लिए हो गया है, सुस्ती, कमजोरी, नामर्दी, लंबाई, मोटाई, सख्ती, टाइमिंग, कड़कपन, ये ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर आता है हमारे पास कस्टमर, मादा पतला हो जाता है तो तब आता है। ठीक है। और टेढ़ापन हो गया, ढीलापन, टाइमिंग ख़त्म, नफ्स कमज़ोर, लंबाई मोटाई कम हो, इसके लिए होता है। तो ये मतलब गारंटीड हल होता है इससे हर सूरत में, जो मतलब यू में इसमें एक ये है कि आप एक ही दफ़ा में लगाएं इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। अच्छा जी, फिर आपका वो दोबारा काम नहीं होगा जैसे आप अभी यूज़ के लिए करवाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताइए इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? मिसाल के तौर पे कोई नुकसान हो, कोई उसका कोई नुकसान नहीं है, हम बैठे में। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका, ये थोड़ा सा गाइड करें। मेरे वालिद साहब करते थे, मैं उनके साथ था, छोटा सा 22 साल हो गए हमारे को इसी बाजार के। अच्छा अच्छा, जो आपके मेन पॉइंट है वहाँ पे भी आप ही खुद मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे आप ही देख रहे होते हैं सब चीज़ें? घर पे भी हो गया देखना और बाहर दुकान पे भी मैं ही देखता हूँ। ये भाई है, ये भी साथ ही अभी। अच्छा, ये जो भाई बैठे थे ये भी साथ ही होते हैं? ये मोहम्मद साबिर नाम है इनका। ठीक है। अच्छा शहजाद भाई मुझे ये बताइए ये किस टाइप का होता है, क्या फॉर्म है, कैसे कलर का है, कुछ आप दिखाएंगे मुझे किस टाइप की? कोई अगर आपके पास निकली हुई चीज़ मौजूद है तो आप मुझे ज़रा हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे कि आप किस तरह का होता है ये, क्या है? ये इसकी चर्बी है, ये। अच्छा, ये इसकी चर्बी आ गई, हमने कटोरे में डाल दी। ठीक है, ये आपको प्रोसेस बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा प्रोसेस बता रहे हैं आप, पूरा जबरदस्त। ये हम सबसे पहले गत्ते डालेंगे, चर्बी निकाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है।
अच्छा ये जो हैं, ये जो बाकी जो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या जिंदा होते हैं? ये इनकी शिकारी कमर तोड़ देते हैं, हम उनको बोलते भी हैं नहीं तोड़ा करो, कि हमारे ऊपर भी कोई मसले मिसाइल खड़े हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो वो कहते हैं भाई लेने तो ले लो, नहीं लेने तो आप जा सकते हैं। तो हमारी रोजी अब क्या करें, घर तो इसी से चलाते हैं भाई। ये बेसिकली क्या नस्ल है ये? ये सांडा है, ये सांडा है, ये गो की नस्ल में जाता है। अच्छा। इसकी कोई नस्ल नहीं, इसकी खुद की यही नस्ल है। ये किस कंट्री में, किस जगह पे, किस? ज्यादा अरब कंट्री में होता है ये। अच्छा। बेसिकली ये असल चीज होती है जो ऑयल की शक्ल को इख्तियार करती है। जी 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 बिल्कुल। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये हमें बिल्कुल लाइव ये करके बता रहे हैं आपके सामने। इन्होंने इस सांडे में से जो इसकी चर्बी है, चर्बी निकाली, चर्बी निकालने के बाद ये बिल्कुल लाइव ये इसमें से इसका ऑयल निकल रहा है, जो कि 100% प्योर है। और ये बिल्कुल लाइव करके दिखा रहे हैं किस तरह से इसका ऑयल निकलता है, किस तरह से ये पूरा मुकम्मल तैयार होता है। अच्छा शहजादे, मुझे ये बताइएगा ये इसके अलावा और किन किन चीज़ों में यूज़ होता है ये, और कहाँ कहाँ इसको यूज़ करता? मैं इसको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये अभी ये तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से पूरा मुकम्मल रेडी हो गया है। जी अच्छा, तो इस तरह की जो ड्रॉप्स की बॉटल्स होती है उसके अंदर आप इसको बना देते हैं? 5 ml का ड्रॉप। डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, या इतनी जो आपने एक क्वांटिटी, इतनी ये एक होती है, ये एक हफ्ते की होती है। अच्छा, ये 3 हफ्ते का कोर्स होता है, 4500 का। ठीक है, एक हफ्ते का होता है 1500 रुपए। अच्छा, ये जो आपने ये बना दिया है, ये समझ लें कि एक हफ्ते का कोर्स। जी, अगर ये कोई आपसे परचेज करना चाहे तो ये आप उसको कितने का देंगे? ये देंगे हम 1500 रुपए का। 1500 रुपए का देंगे। अच्छा, इस कोर्स को यूज करने के दौरान उसे वापस आपके पास आने की जरूरत होगी, आप पूरा उसे एक्सप्लेन कर देंगे? वो खुद ही आएंगे, वो खुद ही बताएंगे। अच्छा, तो ये कभी ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते से भी ज्यादा किसी को जरूरत पड़ी हो इसको यूज करने की? हाँ, लोग आते हैं, 6-6 हफ्ते भी लगाते हैं, 7-7 हफ्ते भी लगाते हैं, सालों साल भी लगाते हैं। ठीक है, चीज स्ट्रांग होती है वो आते हैं हमारे पास। मुझे ये बताइएगा कि क्या एक मर्तबा इस्तेमाल के बाद इंसान का जो मामला होता है, जो परेशानी होती है, वो खत्म हो जाती है, या उसे फिर कभी जरूरत पड़ती है इसमें? नहीं, इसको हमने रेगुलर यूज करना होता है? नहीं, इंशाल्लाह हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनको अच्छे से अच्छी चीज दें, और वो दोबारा इंशाल्लाह ऐसी शिकायत नहीं हुई है हमारे पास जब का हम लगा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह शिकायत नहीं आई है हमारे पास। नई चीज तो मैंने देखी, क्योंकि आपने बिल्कुल एक लाइव करके दिखाया, और आपने यहाँ पे इनमें से जो है लाइव एक चीज निकाली है, जो कि इसकी चर्बी होती है, और निकाल के आपने आंखों के सामने बना के दिखाई है। तो इससे तो अंदाजा हो रहा है कि आप 100% रियल और प्योर का ही काम कर रहे हैं, तो इसमें तो हमें कोई शक नजर नहीं आया फिल वक्त जो हमने देखा। अच्छा, बाकी मुझे ये बताइए कि ये जो रखा हुआ है इसमें थोड़ा सा मुझे जो है फर्क नजर आ रहा है, तो ये क्या चीज है ये इस स्टॉक के अंदर, इस बॉटल के अंदर? ये होता है तिलों का तेल।
अच्छा तिलों का, ठीक है, ये होता है, इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं, ये जोड़ों के दर्द में काम आता है। अच्छा, यानी ये जो सांडे का ऑयल है ये नफ्स के अलावा मजीद और बहुत सारी चीजों में, जोड़ों का दर्द हो, रीढ़ का दर्द हो, वाह का दर्द हो, पट्टों का दर्द हो, हाथ पैर टूटने का दर्द हो, फालिज, लकवा, बच्चों का नमूनिया, ठंड लग जाती है, या खातून नमाज नहीं पढ़ सकती है, घुटनों में दर्द होती है, तो इंशाल्लाह वो लगाएं, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। इसका यूज करने का तरीका क्या होता है, कोई फिक्स टाइम होता है? इसको रात को सोते टाइम ही लगाते हैं, या नफ्स वाला ले लें या फिर दर्द वाला ले लें। ठीक है, इसकी तासीर क्या है? इसकी तासीर ये है, रात को सोते टाइम 3 कतरे लगाएं, 4 मिनट मालिश करें, 1 उंगली से मालिश करने के बाद दोबारा 2 कतरे लगा के पूरे पे फैला के छोड़ दो, सुबह उठो नीम गर्म पानी से धो लो, ये हो गया नफ्स का। और दर्द का ये है कि 4-5 कतरे लगा के मालिश करके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि जिस पे हवा ना लगे, बैंडेज वगैरह हो गया, हाँ, गर्म कपड़ा हो गया, गर्म, हाँ, पट्टी हो गई, हवा ना लगे, ऐसी चीज़ लगाएं और सुबह उठ के टकोर करें, गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें उस चीज़ पर, दर्द वाली जगह पर। इसकी तासीर गर्म है जी, ठीक है। और साइड इफेक्ट जैसा आपने बताया कि कोई नहीं है इसके साइड इफेक्ट? कोई भी साइड इफेक्ट हो तो आप हम रब्ता करें, आप इंशाल्लाह हम साथ देंगे, आपका नुकसान होता है तो, और इंशाल्लाह कोशिश होती है कि हमारा कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है जी, ये किन का है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट? ये मेरे वालिद साहब का है। अच्छा, ये आपके वालिद साहब, तो ये क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है, किसकी तरफ से है सर्टिफिकेट? ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं सर। चलिए ठीक है, वो तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उसको खुद ही पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि ये कहाँ का है सर्टिफिकेट। नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स का है ये बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपके पास ये बॉटल्स में रखे हुए हैं, ये क्या क्या चीज़ें, इनके बारे में थोड़ा सा गाइड? ये हमारे वालिद साहब भी हैं और उस्ताद भी, हमारे वालिद साहब भी। अच्छा, ये उनके तैयार किए हुए हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये ऑयल्स हैं ये भी? जी, ये वालिद साहब ही जानते हैं, ये उनकी चीज़ें हैं, ये हम नहीं छेड़ते, ये उनका सामान है। अच्छा, तो वालिद साहब अभी कहाँ आपके मौजूद हैं? अभी वो पंजाब है, मैयत में गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अच्छा, उसके अलावा वैसे यहाँ पे होते हैं, अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और जो आपकी मेन जगह है वहाँ पे भी वो मौजूद होते हैं? जी होते हैं। ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइएगा। मोहम्मद मक्खन अत्तारी। मोहम्मद मक्खन अत्तारी। मक्खन अत्तारी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और गाइड कर दिए, जैसे ये जिंदा रखे हुए हैं तो क्या ये नुकसान भी देते हैं इंसान को? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहते, ये देखे ना, कुछ नहीं कहते। अच्छा, कोई नुकसान वगैरह नहीं? नहीं, आप भी हाथ लगाएं, इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगा। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।